गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अप टू लास्ट क्लास वी हैव सीन व्हाट इज द फ्लड। फ्लड इज द हैवी रेन, हैवी और एक्सेसिव रेनफॉल एट अ पर्टिकुलर रीजन और पर्टिकुलर प्लेस। बच्चों, दिस रेनफॉल, एक्सेसिव रेनफॉल, नॉट ओनली एक्सेसिव रेनफॉल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लड, बट ऑल्सो समटाइम्स, जैसा कल हमने देखा इन धोली गंगा, दी ग्लेशियर्स मेल्ट बाय ग्लेशियर्स मेल्टेड बाय द सन, हीट ऑफ सन, एंड दीज ग्लेशियर्स, बच्चों बड़ी बड़ी चट्टाने होती है बर्फ की, जो सालों से जमी रहती है, इट इज वेरी हार्ड, बट ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ द आइस द ग्लेशियर्स गेट मेल्ट एंड ब्रेक अप एंड मे कोच एक्सेसिव वॉटर लेवल इन द रिवर। जैसा कल हुआ हमने देखा भी सही, न्यूज़ भी काफी था। तो बच्चों, दीज आर द रीजन ऑफ द फ्लड। फ्लड, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द फ्लड। सो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द फ्लड, इट इज नेचुरली डिवेस्टेटिंग, काफी डिस्ट्रक्टिव होती है। इट इज नेचुरली डिवेस्टेटिंग एंड डिस्ट्रॉयज लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑफ अ पर्सन। इट ब्रिंग्स लाइफ स्टैंड स्टिल, जहां पर लाइफ होती है वहीं पर थम जाती है, बिकॉज देर इज नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द अफेक्टेड एरिया। जहां पर अफेक्टेड एरिया है वहां पर कोई ट्रांसपोर्ट का मीनिंग नहीं रहता, क्योंकि ट्रांसपोर्ट चलेगा तब जब रोड होंगे और रोड पर तो पानी भरा रहता है। एक्सेसिव वॉटर पोजिस वॉटर लॉगिंग कंडीशन, वॉटर लॉगिंग कंडीशन, पानी भर जाता है, पानी भरा रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, वॉटर लॉगिंग कंडीशन। एंड दिस वॉटर लॉगिंग कंडीशन ऑल्सो कोच, दिस वॉटर लॉगिंग कंडीशन, जब पानी भरा रह जाएगा, पानी जब वॉटर पूरा फिल्ड है तो बच्चों इट कोजिस अ नंबर ऑफ डिजीजेस लाइक द डेंगी, डेंगू फीवर, मलेरिया, कोलेरा। सो इट फ्लड ऑल्सो कोजिस डेंगू, मलेरिया, कोलेरा। बच्चों, ये जो हमारी फ्लड है इसके केवल किसी भी एस्पेक्ट में हम लोग कहें तो केवल एक ही एस्पेक्ट नहीं होता कि हार्मफुल हार्मफुल हार्मफुल, हम लोग एक ही एस्पेक्ट उसको इमेजिन नहीं कर सकते। दी फ्लड ऑल्सो हैविंग सम बेनिफिशियल इफेक्ट्स, सम बेनिफिशियल इफेक्ट्स। बच्चों, जब नेचर किसी के साथ बुरा करती है तो किसी दूसरे के साथ में अच्छा भी करती है, कहीं उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। जैसे अभी देखा हमने ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोरोना, लाइफ गेट स्टैंड स्टिल, वो पूरी की पूरी लाइफ एकदम से थम गई, लेकिन इसके बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स हमने देखे। द नेचर गेट प्योर अगेन, नेचुरल वाटर रिसोर्सेस, ये सब अपने आप ने, नेचर ने अपने आप ने उसको जो है वापस सेल्फ सस्टेंड कर लिया और वापस से उसको नेचुरल वे में, जो जैसा नेचुरल में होता है वैसा कंडीशन में आ गया। एंड यू नो वेल, वाटर इन द न्यूज, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन गेट रिड्यूस्ड इन एंटायर वर्ल्ड लेवल, नॉट ओनली इंडियन लेवल बट ऑल्सो अप टू द एंटायर वर्ल्ड लेवल, ये जो पोल्यूशन था एकदम से कम हो गया। तो बच्चों, दिस वन फ्लड ऑल्सो हैविंग सम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। बच्चों, जब बाढ़ आती है तो उससे बहुत सारी, दिस फ्लड ऑल्सो कैरी द सॉइल, अब ये सॉइल बहा करके ले आती है और इसी सॉइल को बहा करके ले आती है, तो इस सॉइल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एलुवियल सॉइल। द सॉइल विच इज कैरिड बाय द वॉटर नॉन एज एलुवियल सॉइल। और हम लोगों ने पढ़ा था नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन, एंड दीज नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स आर द मोस्ट फर्टाइल लैंड इन नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो ऑल एंटायर वर्ल्ड, पंजाब, हरियाणा, बिहार, वेस्ट बंगाल, दीज लाई ऑन दिस प्लेन। तो बच्चों, ये हमारे पास में बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ द
दीज आर दी बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ फ्लड. फ्लड कैरीज वॉटर, कैरीज सॉइल. दिस सॉइल इज हाईली फर्टाइल लैंड फॉर दी दिस सॉइल इज हाईली फर्टाइल फॉर आर एग्रीकल्चर. नाउ अ टर्म एन एस्पेक्ट कम ओवर हियर दैट इफ फ्लड इज टू मच डिस्ट्रक्टिव देन कैन वी कंट्रोल दिस फ्लड. क्या हम फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं या हमारे जो भी लॉस हो रहे हैं उनको हम कम कर सकते हैं? तो हाउ कैन वी कंट्रोल दी फ्लड? तो देखें, नंबर वन, लुक, यू कैन लुक इन योर बुक पेज नंबर आई थिंक 184. प्लांट्स मोर एंड मोर ट्रीज अलोंग द रिवर बैंक्स एंड हिल साइड्स टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर. यहां पर जो रिवर्स है, रिवर्स के दोनों साइड पर बड़े बड़े पेड़ लगा दिए जाएं ताकि जो हमारे रूट्स, जो हमारी रिवर है, रिवर का पानी जब बाहर जाएगा, ओवरफ्लो होगी, तो उसके पानी की स्पीड कम हो जाएगी. इट विल कंट्रोल द स्पीड ऑफ फ्लो, स्पीड ऑफ वाटर. इसी टाइप से जो हिल्स हैं, हिल्स पर भी पेड़ लगा दिए जाएं तो उसको जो पानी एकदम से नीचे आएगा वो थोड़ा स्लो हो जाएगा. जब स्लो हो जाएगा बच्चों, व्हेन इट्स स्पीड ऑफ वाटर गेट रिड्यूस्ड, इट विल नो डाउट इट विल डिवेस्टेटिंग बट इट विल कोज सम लेस डिस्ट्रक्टिव. मेक रेज्ड एम्बैंकमेंट्स स्पेशली नियर रेजिडेंशियल एरियाज. जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं उनके चारों तरफ हम लोग बाउंड्री बना दें. विच प्रिवेंट वाटर फ्लो वाटर फ्रॉम ओवरफ्लोइंग, ताकि पानी जो है एकदम से ओवरफ्लो नहीं होगा. दीज रेज्ड एम्बैंकमेंट्स, दीज रेज्ड एम्बैंकमेंट्स आर नोन एज बंस. क्या कहते हैं बच्चों इनको? बंस. अब जो बंद हैं हम लोग इनको बनाएं अपनी कॉलोनी के चारों तरफ ताकि जो पानी है एकदम से हमारी कॉलोनी के अंदर एंटर ना हो. चेक डैम्स रेगुलरली, चेक ओल्ड डैम्स रेगुलरली एंड मेंटेन देम टू प्रिवेंट एनी ब्रेकेज. बच्चों जो हमारे डैम्स हैं, डैम्स में से पानी जब कई बार जो होते हैं डैम जो होते हैं देयर सम लीकेज, दे डैमेज्ड ड्यू टू द टाइम, उनकी रिपेयर नहीं होती टाइम पर, अल्टीमेटली ब्रेक डैम्स गेट ब्रेक डाउन एंड दीज ब्रेक डाउन ऑफ द डैमेज ऑफ द डैम्स. इट जैसे पानी एकदम से आता है तो इट कोज द फ्लड. तो रेगुलर वी शुड रेगुलर चेक ऑल द डैम्स एंड मेंटेन देम, रिपेयर देम. अनदर मेजर इज टू कंस्ट्रक्ट चेक डैम्स. डैम के अलावा छोटे छोटे हम लोग चेक डैम बना दें, विच टू कैन बी अ ग्रेट हेल्प ऑफ द कंट्रोल इन द फ्लड. लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ड्यू टू द फ्लड कैन बी रिड्यूस्ड इफेक्टिवली. बच्चों जो हमारी लाइफ है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी है, इसको भी हम कम कर सकते हैं. प्रॉपर्टी का लॉस होगा तो होगा, लेकिन लाइफ तो बच जाएगी. तो हाउ कैन बी कंट्रोल द लॉस ऑफ लाइफ? तो देखें, लुक इन योर बुक पेज नंबर 185. प्रोवाइड टाइमली एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन टू द अफेक्टेड एरियाज वाया टीवी, रेडियो एंड पब्लिक अनाउंसमेंट. बच्चों जैसे हमारे पास में ये भी जो कल वाला केस हुआ, इसकी भी पहले से ही फोरकास्टिंग कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया. सो प्रोवाइड डिटेल एंड टाइमली इंफॉर्मेशन टू द अफेक्टेड एरिया. हमारे जो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल डिपार्टमेंट है, इसके अलावा जो हमारे पास में मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इस मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का काम ही यही है कि ये फोरकास्ट दी एनी वेदर चेंजेज, गिव इंस्ट्रक्शन एंड असिस्टेंस टू द पीपल टू दैट एरिया एंड टू मूव द सेफर प्लेसेस. जो प्लेस लोग हैं, लोगों को बता दिया जाए सामान ऊपर रख दो, यहां से उस एरिया में चले जाओ,
नेक्स्ट वन एनश्योर टाइमली सप्लाई ऑफ शेल्टर, फूड, क्लोथिंग एंड मेडिसिन, ताकि सबको जो है मेडिसिन मिल जाए, किसी की तबीयत खराब हो गई है तो दो। और इसी टाइप से टेक शेल्टर फूड टाइमली सबको फॉर पीपल लिविंग दी देयर होम इन सच एमरजेंसी, जो अपने घरों को छोड़ छोड़ के सीधा घर छोड़ के चले गए हैं, तो उनको हम लोग ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करें। और इसके लिए हम लोग जो है कलेक्शन भी करते हैं ना, मनी कलेक्शन, फंड कलेक्शन हम लोग करते ही हैं। जैसे अभी वह केरला में हुआ था, दूसरे स्टेट्स में होता है, तो जहां पर होता है उसके लिए हम लोग कलेक्शन करते हैं। स्टार्ट दी कंस्ट्रक्शन एंड टेम्पररी कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पररी डैम एंड बंस टू ईदर स्टॉप और डाइवर्ट दी फ्लड वाटर। बच्चों एम्बैंकमेंट बना दें या हम लोग चेक डैम्स बना दें टू डाइवर्ट दी फ्लो ऑफ दी वाटर पर्टिकुलरली फ्रॉम दी रेजिडेंशियल एरियाज। नाउ इन सबके अलावा हम और क्या करते हैं, समटाइम्स पीपल गो टू हायर प्लेसेस बट कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम दी फ्लडेड एरिया। फ्लड हायर प्लेस चले गए लेकिन फ्लडेड नीचे तो पानी भरा हुआ है ना, तो फिर क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं आर्मी वहां पर जो ऊपर पहुंच गए हैं उनके लिए आर्मी क्या करती है, वहां से ऊपर से खाना गिरा देती है, ड्रॉपिंग ऑफ दी फूड, ड्रॉपिंग ऑफ दी मेडिसिन, क्लोथ्स। इसके अलावा कई बार उनको यहां से रेस्क्यू टीम आती है, रेस्क्यू टीम वहां से बाहर निकाल लेती है। देन दी आर्मी इज कॉल्ड इन टू रेस्क्यू एज मैनी पीपल बाय बोट एज दे कैन। They also begin air dropping flood and air dropping food and medicines to people who are waiting to be rescued. The army plays very important role in such kind of the emergency situations. Thank you.